आई एम टॉकिंग अबाउट द कैथोड रे ऑसिलोस्कोप. तो नाउ द फर्स्ट वन इज वी हैव सम आउटलाइंस. द वन इज इंट्रोडक्शन सीआरओ एंड इट्स यूजेस टू मेजर एसी वोल्टेज एंड कैलकुलेट इट्स डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी टू मेजर डीसी यूजिंग सीआरओ एंड टू डिटरमाइन वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल सेंसिटिविटीज ऑफ सीआरओ कैलिब्रेशन ऑफ सीआरओ एंड टू डिटरमाइन द अननोन फ्रीक्वेंसी यूजिंग सीआरओ. तो हमने हमने क्या किया है कि हमने इसमें मतलब इस वर्कशॉप में जो सीआरओ है एक्सपेरिमेंट है कैथोड रे ऑसिलोस्कोप है इसको मैंने पहले तो उसके आउटलाइन के बारे में बताऊंगा और उसके बाद मैं उसकी उसके मतलब सेंसिटिविटी उसके जो एक्सपेरिमेंट्स हैं उनके बारे में बताऊंगा. तो नाउ सबसे पहले हम बात करते हैं कैथोड रे ऑसिलोस्कोप है क्या चीज. तो सीआरओ गिव्स ए टू डायमेंशनल डिस्प्ले ऑफ वोल्टेज अप्लाइड टू इट्स वर्टिकल वाई वाई एंड टाइम एक्सिस अलोंग द हॉरिजॉन्टल एक्सिस इनपुट टर्मिनल्स. तो यानी कि वो इट्स ए टू दो डायमेंशन में डिस्प्ले डिवाइस है ये. और बेसिकली इसमें सीआरओ दो तरह से आजकल है, एक तो कैथोड रे ट्यूब और एक है डिजिटल फॉर्म में आ रही है आजकल. तो हम यहाँ पे कैथोड रे ऑसिलोस्कोप की बात कर रहे हैं. तो इसमें जो इसका जो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके कंस्ट्रक्शन ऑफ सीआरओ, मतलब इसके अंदर थोड़ा सा हमको आइडिया होना ब्रीफ थोड़ा आइडिया आना जरूरी है कि ये ओके ठीक है. तो ये आप देखेंगे कि जो इसका इनपुट है वर्टिकल इनपुट और इसमें जो कंस्ट्रक्शन ऑफ सीआरओ में सबसे पहले सीआरओ ट्यूब टाइम बेस्ड जनरेटर सिंक्रोनाइजेशन एम्पलीफायर एटेन्यूएटर्स एंड पावर सप्लाई, ये हमारे पास बेसिक इसके कंपोनेंट्स हैं जो सीआरओ के अंदर मतलब जो उसका हार्डवेयर है. तो हार्डवेयर में हम क्या करेंगे कि जो इसका डिफ्लेक्स ये आपका वर्टिकल गेन है डिफ्लेक्शन एम्पलीफायर इसका सिंक्रोनाइजेशन ये आपके हमारे इसके पार्ट्स हैं. उसके बाद हम यहाँ पे ये एक बात कर ये है आपका कैथोड रे ट्यूब. तो इसमें देखिए आपका इंटेंसिटी कंट्रोल के लिए ये दो 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 प्लेट्स हैं, फोकस के लिए दो प्लेट्स हैं और वर्टिकल पोजीशन के लिए दो प्लेट्स हैं और इसके हॉरिजॉन्टल पोजीशन के लिए दो प्लेट्स ये प्लेट्स हैं और ये स्क्रीन है. तो ये जो स्क्रीन होती है ये होती जेड एन सिलिकेट की डोप विद MN. जो ये स्क्रीन है इस स्क्रीन पे जो जो ये स्क्रीन है इस स्क्रीन में आपका जिंक सिलिकेट होता है और इसमें डॉप करते हैं मैंगनीज को MN को. और इसका जो बेसिक सिद्धांत है वो ये है कि आपका यहाँ पे ये जो फिलामेंट है ये दिस फिलामेंट लाइब्रेट्स द इलेक्ट्रॉन्स एंड इट इज गाइडेड बाय दीज एनोड्स. इसमें हम इलेक्ट्रिक एंड मतलब आपका क्रॉस्ड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी हमको यहाँ सामने मिल जाएगी. और जैसे ही ये इस जिंक सिलिकेट की स्क्रीन पे टकराएगा उसके बाद ये जो है यहाँ पे इसमें मतलब प्रतिदीप्ति बोलता है इसको, यानी कि प्रतिदीप मीन्स आपका फ्लोरोसेन इफेक्ट होगा और आपको हमको यहाँ पे हमको मतलब नीली सी वो हरी सी पॉइंट्स दिखाई देंगे जैसे हम चाह रहे हैं. तो वो एक्चुअली ये बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इस टारगेट इस प्लेट पर टकराएगी और हमको मतलब आपका फ्लोरोसेंट इफेक्ट दिखाई देगा. तो ये तो इसका इंटरनल स्ट्रक्चर है, इसमें हमें ज़्यादा नहीं जाना है. तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अच्छा इसको मैं इधर शिफ्ट कर देता हूँ. ओके इधर ठीक है. हाँ ठीक है ठीक है. हाँ तो नेक्स्ट क्या है कि अब हमारे पास है जो बेसिक सीआरओ है इसको हम ये बेसिक सीआरओ यह कैथोड रे ऑसिलोस्कोप. तो इसमें हम देख पा रहे हैं कि एक मिनट ओके दिस इज स्क्रीन, ये आपकी स्क्रीन. तो इसमें हम देख रहे हैं ये स्क्रीन देख पा रहे हैं हम और यहाँ पे ये नोब्स देख पा रहे हैं, बहुत सारे नोब्स देख पा रहे हैं. तो मैं एक एक करके इनको डिस्क्राइब करूंगा. जैसे ये नोब है ये नोब है सारे के सारे ये मैं इनको डिस्क्राइब कर धीरे धीरे अभी मैं इनको डिस्क्राइब करूंगा. तो उसमें आपका ओके तो
इससे पहले हम बात करते हैं, हमारे पास जो इसके जो मेन नोब्स हैं सीआरओ के, वो इस तरह से हैं। वन इज ऑन ऑफ स्विच, जो ये ऑन ऑफ स्विच होता है, तो आप देख पा रहे हैं कि जैसे जब ये वाला पॉइंट, जो ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट जब ये वाला छोटा वाला जब प्रेस करते हैं तो ये ऑन हो जाएगा और ये ऑफ ऑफ ऑन ऑफ पॉइंट है। उसके बाद हमारे पास है फोकस, तो हम ये देख पा रहे हैं कि फोकस, ये आपका फोकस है। तो इसमें होता क्या है कि जब हम माना इलेक्ट्रॉन के बीम को बहुत इलेक्ट्रॉन हमको इसको फोकस करना, तो इसके लिए आपका क्या होता है कि अगर माना डिफोकस होगी तो हमारा जो आउटपुट है वो साफ नहीं आ पाएगा, उसको क्या करते हैं कि मतलब धुंधला आएगा, तो उसको हमको शार्पनेस बढ़ाने के लिए हम उसको हल्का हल्का क्या करते हैं उसकी फोकस करते हैं, और उसको मतलब जैसे हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में हम फोकस करते हैं, वैसे ही हम यहाँ पे भी इसको बीम को फोकस करेंगे। उसके बाद इंटेंसिटी है, तो इंटेंसिटी का मतलब ये हुआ कि जैसे बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी तेजी से टकरा रही है स्क्रीन पे, अगर ज्यादा ज्यादा इंटेंसिटी होगी तो वो एक पर्टिकुलर प्लेस पे जब ज्यादा ज्यादा जो है इंटेंसिटी टकरा जाती है, ज्यादा बीम टकरा जाती है, तो वो क्या जाती है वो उसमें प्रॉब्लम करता है, और प्रॉब्लम करने के बाद सीआरओ का वाला पार्ट डैमेज हो जाता है, स्क्रीन डैमेज हो जाती है। तो उससे बचने के लिए हम उसकी इंटेंसिटी को कम करने की कोशिश करते हैं। तो अभी हम, और इसके बाद ये आपका है टाइम बे टाइम डिवीजन, इट से मतलब जो आपका एक्स एक्सिस है, एक्स जो आपका ये है टाइम डिवीजन, तो इसमें टाइम डिवीजन में क्या करते हैं, जैसे आपका ये इसमें माइक्रो सेकंड लिखा हुआ है और इसमें मिली सेकंड लिखा हुआ है और इसमें सेकंड लिखा हुआ है, तो ये जो नॉब, इसकी जो नॉब सीआरओ की नॉब है वो किस पोजीशन में, अभी हम देख पा रहे हैं कि ये जो है इस पोजीशन में, तो हम क्या करने वाले हैं कि जैसे एक्स एक्सिस के अलोंग, जो ये आपकी एक्स एक्सिस है इसके, अच्छा इसमें दिख रहा, ओके ठीक है इसी में डिस्क्राइब करते हैं, तो एक्स एक्सिस के अलोंग जो हम मीजर करते हैं वो टाइम पर डिवीजन को नोट करते हैं, मतलब जैसे आपका यहाँ से यहाँ तक आपका एक दो तीन चार पांच खाने हैं, सिमिलरली नेगेटिव एक्सिस में पांच खाने हैं, ऊपर की तरफ भी वाई एक्सिस के अलोंग पांच खाने ऊपर हैं और पांच खाने नीचे की तरफ, और हम थोड़ा सा और ध्यान देंगे तो ये आपका जो ये छोटा वाला है यहाँ पे, ये इस बड़े जो आपका खाना है इससे, ये छोटा वाला एक दो तीन चार पांच, यानी कि ये भी पांच पांच में डिवाइड है, ये इस बड़े खाने के अंदर पांच छोटे आपके डिविजन्स हैं। अब तो यानी कि यहां से यहां तक इसमें दो चीजें हैं, एक तो आप स्केल कैसा ले रहे हैं, मेन होता स्केल, अगर हम जब बड़ा वाला स्केल लेंगे तो हम उसके हिसाब से कैलकुलेट करेंगे, और अगर हम छोटा वाला लेंगे तो उसके हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे, तो क्या होगा कि जो ये आपका एक डिवीजन जो है आपका, सपोज इसमें ये दो पे है, माना सपोज ये टू पे है, तो टू इंटू वन, तो यानी कि वन डिवीजन इक्वल टू टू मिली सेकेंड, यहां से यहां तक जो दिखा रहा है टू मिली सेकेंड दिखा रहा है, यहां से यहां तक टू डिवीजन फोर मिली सेकेंड, इस तरह से टाइम डिवीजन है, तो यानी टाइम पर डिवीजन हो गया। दूसरा ये जो है ये ड्यूअल कोर है, ये आपका हाँ ड्यूअल इनपुट है इसमें, तो आपका एक नोब ये है और दूसरी नोब ये, तो इसमें हम देख पा रहे हैं कि ये वाला जो है, अच्छा हाँ इसमें ये वाला बोर्ड्स पर डिवीजन है, तो यानी कि जब नोब इस डायरेक्शन में होगा तो ये 5, 10, 15, 20 और 50, तो यानी कि यहाँ पे जो एक डिवीजन है वो एक डिवीजन अगर माना यहाँ पे ये 10 पे है अभी, तो आपका क्या हो जाएगा 10 1 डिवीजन इज इक्वल टू 10 मिली वोल्ट,
और अगर इस डायरेक्शन में हम आए, इसको इस डायरेक्शन में हम आए, तो ये जो है आपका ये बोल्ट्स में और ये मिली बोल्ट में। और इसमें हम देख पा रहे हैं कि दो आपके चैनल चैनल के लिए, अगर माना हमको सिंगल चैनल चाहिए, माना सिंगल सिंगल चैनल चाहिए, तो आपका इस पे लगाएंगे, इस पे ऑन करेंगे इसको नोब को। अगर टू चाहिए तो इस पे, अल्ट अल्ट है ये आपका अलग अलग उसके लिए। और ये आपका ट्रिगर, इसका ट्रिगर इनपुट है, ये लेवल है, ये पोजीशन है, इसका पोजीशन कि आपको माना ये जो लाइन है इसको अगर इधर उधर पोजीशन करना है तो ये पोजीशन है आपका। और ये वाला आपका वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, इस लाइन को ऊपर नीचे ले जाने के लिए ये नॉब का यूज करते हैं। और बाकी ये देखो, जैसे आपका यहाँ पे ऑडियो, टीवी, इस तरह से हमारा वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, ये सारे सारे इसमें नॉब, तो इसके बहुत सारे डिफरेंट पैरामीटर्स हैं। तो ये हमारा बेसिकली ये है आपका ऑसिलोस्कोप, नाउ इट इज ए ऑसिलोस्कोप। अब इसमें ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल गेन, वर्टिकल गेन, ठीक, सब ठीक है, ओके। अब हमारे पास नेक्स्ट जो ऑब्जेक्ट है वो है कि अगर हम इसको कहते हैं, दैट इज हम इसको कहते हैं, ये है आपका ऑसिलेटर। तो ये हमारा इसको इनपुट दे रहा है, इस ऑसिलेटर की मदद से हम सीआरओ को इनपुट देंगे, तो हमको इसकी रिजल्ट यहाँ तो इसमें बेसिकली ये सीआरओ है। तो इसमें हमारे पास साइन वेव, ट्रेंगुलर वेव और स्क्वायर वेव, तीन तरह की वेव हमारी इससे जनरेट होंगी। और इसमें हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये साइन वेव, इसके अंदर हम देख पा रहे हैं साइन वेव है। और ठीक है, ये आपका। अब हमारा जो बेसिक मोटिवेशन है वो ये है कि हम इसके लिए टाइम बेस को कैसे कैलकुलेट करेंगे। जैसे इसका माना जो आपको ये साइन वेव दिया दिया गया है, तो इसमें हम आपका इसके एम्पलीट्यूड को, या वोल्टेज पीक टू पीक वोल्टेज को, पीक टू पीक वोल्टेज को कैसे नापेंगे, इसमें हम फ्रीक्वेंसी इसकी कैसे पता करेंगे। ये अभी हमें दो ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं, तो इसमें हम देखेंगे। अगर हम बात करते हैं तो हम देख पा रहे हैं कि यहां से और यहां तक, ये यहां से और यहां तक, तो ये आपका कंप्लीट, ये आपका ये कंप्लीट वन साइकिल है, ये यहां से यहां तक कंप्लीट वन साइकिल है। तो इसमें हम देख पा रहे हैं कि इसने क्या किया, इसको यहां से 1 2 3 4 5 6 7 अप्रोक्सीमेटली 7 मान के चलते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो आपका ये हो गया 7 डिविजन्स, ठीक है, ये 7 7 डिविजन्स, ये आप देख पाए 7 डिविजन्स हैं इसमें। और 7 डिविजन्स, अभी की नोब है, अभी मैं इसको देखता हूँ कहाँ पे है ये, हाँ यस, तो ये है आपका इस पे है ना ये, हाँ मिली सेकेंड पे है। ये है 0.2 मिली सेकेंड, 0.2 मिली सेकेंड पे इसकी नॉब है ये, ठीक। तो इसका जो आपका 7 डिविजन्स हैं, 7 डिवीजन में 0.2 मिली सेकेंड आ गया, पर डिवीजन 0.2 मिली सेकेंड पड़ रहा है, तो टोटल जो हो जाएगा 7 into 2, तो यानी 1.4 मिली सेकेंड इसका क्या हो गया आपका टाइम पीरियड, यानी कि एक ऑसिलेशन में द टाइम टेकन इन वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड
टाइम पीरियड, तो इसने लिया 1.4 सेकेंड, और इसकी मदद से हम इसकी फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, n इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी न्यू, फ्रीक्वेंसी न्यू इज इक्वल टू 1/1.4 मिली सेकेंड, ठीक है, और ये आ जाएगा आपका 1.4 मिली सेकेंड, 1.1 डिवाइड बाय 1.4 × 10^3 सेकेंड, तो डिवाइड बाय 1.4, तो यह आया 0.7142, तो यानी कि आपका 3 से अगर हम इसको करेंगे तो 7142, यह आपका 714.2 हर्ट्ज इसकी फ्रीक्वेंसी अप्रोक्सीमेटली इतनी आ रही है। अभी ये मतलब ये हमारा मेजरमेंट का इनडायरेक्ट तरीका, डायरेक्ट तरीका है, इसमें बहुत सारे इश्यूज हैं वो हम अभी देख लेंगे। और दूसरा वोल्टेज नापने के लिए हम देखेंगे कि जो आपका 1, 2, 3, और अगर हम यहाँ देखें नीचे की डायरेक्शन में देखें तो 1, 2, 3, तो ये हम देखेंगे 1, 2, 3, और इसमें जो नॉब है वोल्टेज की वो है एट ये वाला है, हाँ, 2 वोल्ट, तो ये आपका 1, 2, 3, तो अप्रोक्सीमेटली ये हो गया आपका, तो 6 वोल्ट लगभग। तो ये रफ एस्टिमेशन है इसका, यहां से यहां तक का ये रफ एस्टिमेशन है, ठीक है। अब मतलब हम इसको कैलकुलेट ऐसा कर सकते हैं। अब हमारे पास अच्छा, इसमें थोड़ा एक बात और बतानी है, वो ये है कि अगर हम इसको एक्स एक्सिस के अलोंग देखेंगे तो इसमें हमारे पास जो गौर करने दो चीजें हैं, दो तरह के डिविजन से, एक बिगर डिविजन एक स्मॉलर डिविजन। तो अलग अलग लोगों ने इसको अलग अलग ढंग से एक्सप्लेन करते हैं, कोई इसको मानता है कोई इसको मानता है, तो उससे घबराने की जरूरत नहीं, जो मानेंगे दोनों एक जैसा मानेंगे तो हमारे रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो मतलब हम उसको ले सकते हैं, कोई इशू नहीं, कोई बड़ा इशू नहीं, ठीक है, तो हम उसको मान सकते हैं। अच्छा, अब ये आपका इसी सिग्नल जनरेटर से, जो हमारा ऑसिलेटर था उसी ऑसिलेटर से ये हमारा स्क्वायर वेव है। अब थोड़ा इसकी इंटेंसिटी कम है तो इसलिए बीच की लाइन हमें दिख नहीं पा रही है, जैसे अभी यहाँ पे क्या होता है कि ये जो बीच की लाइन है ये भी दिखनी चाहिए, ये वाली, ये ऐसे करे, अगर मिला दूं ऐसे करे, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ, इसको अगर हम इरेज कर दें तो ये वाला जो है हम इसको मिला दें ऐसे करके सीधे नीचे ये मिला दें, तो ये आपका लगभग स्क्वायर वेव जैसा है। ये इंटेंसिटी थोड़ा कम है ना, मैंने जो फोटो खींचा था उसमें थोड़ा कुछ प्रॉब्लम, उसमें जो है एक्चुअली हमारे लैब बंद था तो मैंने किसे खिंचवाई थी, तो ये हमारा स्क्वायर वेव फॉर्मेशन इसका हो गया सीआरओ में। अब नेक्स्ट क्या है, जो आपका नेक्स्ट है वो है ट्रेंगुलर वेव। तो ये ट्रेंगुलर वेव है, इसको नापने के लिए हम जैसे वहां पे हम जो साइन वेव में टाइम पीरियड की बात करते हैं, यहाँ पे हम उसको उसका जो होगा वो टाइम पीरियड ड्यूटी साइकिल के टर्म में, तो उसको हम ड्यूटी साइकिल बोलते हैं, जैसे ये कंप्लीट एक ड्यूटी साइकिल हो गई, वैसे ट्रेंगुलर ड्यूटी साइकिल है उसका, ये आ गया आपका ट्रेंगुलर वेव। अच्छा, अब ये आपका मैंने आपको पहले बता दिया हाउ टू मीजर वोल्टेज एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ सी आर ओ, तो ये मैंने आपको पहले टेंटे बता दिया है कि कैसे करके उसको हम मीजर करते हैं, तो इसमें मतलब वो रफ एस्टिमेशन है, लेकिन अभी हम देखते हैं क्या होता है। तो आपका नाउ द यूजेज ऑफ सीआरओ जो है बेसिकली इट्स ए इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट इन फिजिक्स लेबोरेटरी, सबसे
इसके बिना तो हम फिजिक्स लेबोरेटरी में कुछ कर ही नहीं सकते हैं। इसमें बेसिकली हम क्या करते हैं, डीसी के लिए आपका एसी इलेक्ट्रिक वोल्टेज वेरिएशंस के लिए, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन के लिए आपका वेरिएशंस इन, उसके बाद जो है ये विजुलाइज करते हैं एग्जैक्ट नेचर ऑफ वेव फॉर्म के लिए, एसी एम्पलीफायर, ऑसिलेटर्स, आपका अननोन फ्रीक्वेंसी को जानने के लिए, फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इन इनएक्टिव एलिमेंट लाइक एलसी एंड दियर कम्बिनेशन विद आर। जैसे एलसीआर सर्किट क्या होता है, जैसे इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस है, तो इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस में जो एसी के लिए पाई बाई टू का फेज डिफरेंस होता है, तो उसको हम चेक कर सकते हैं, उसको मतलब हम उसके फेज को हम चेक कर सकते हैं, और कम्बिनेशन उसका आर रेजिस्टेंस क्या रहेगा ही रहेगा, क्योंकि अगर हम उसका मतलब सेकेंड ऑर्डर पर्टर्बेशन लें तो ये जो है आपका हम इसको सॉल्व कर सकते हैं इसकी मदद से। तो ये फेज डिफरेंस आ गया इसका बिटवीन इसके और इसके बीच में, ये इसके यूजेस हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट है कि हम तीन बेसिकली मैं तीन प्रैक्टिकल यहाँ पे जो है, एक तो मैं किया है मतलब बनाया उसको सॉल्व किया है, उसका ग्राफ प्लॉट किया है, और दूसरा जो है दूसरे को मैं बताऊंगा क्या हो उसमें कैसे कैसे कर सकते हैं। तो पहले सबसे पहले मैं हम बात कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट टू मेजर एसी वोल्टेज एंड कैलकुलेट इट्स डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी। उसमें इसमें हम क्या करेंगे कि आपका जो एक्सपेरिमेंट है हाँ हेलो, तो जो इसमें हमारे पास बेसिकली है टू मीज मतलब हम क्या कर रहे हैं कि जैसे अभी तक मैंने जो बताया आपको टाइम पीरियड निकालने के लिए, फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए या वोल्टेज को मीजर करने के लिए, तो हमने उसको डायरेक्ट मेथड बताया था कि ठीक है डिफ्लेक्शन आपने देख लिया और कैलकुलेट हम कर सकते हैं उसको, लेकिन जो इसका जो एग्जैक्ट मेथड है वो है हम हमको सीआरओ का की सेंसिटिविटी पता होनी चाहिए एसी के लिए, हम उस तब जाके उसको एसी को हम वोल्टेज को मीजर कर सकते हैं। तो अगर हमें सेंसिटिविटी पता है तो हम उसको पता कर सकते हैं कि हमें ये कितना होगा। तो ये उसके लिए जो है इसमें सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं कि टू मीजर एसी वोल्टेज एंड कैलकुलेट इट्स डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी। तो सबसे पहले हमारा काम है इसमें, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी। तो इसमें हम क्या करने वाले हैं कि इसका जो सर्किट एलिमेंट, ये तो सीआरओ ही वाला पार्ट है, इसको मैं ये हमारा सीआरओ का पार्ट है और इसमें ये हमारा सर्किट है। तो इसमें हमने क्या किया कि चाहे तो इसको ट्रांसफार्मर लगा लीजिए, चाहे इसमें ऑडियो ऑडियो सिग्नल जनरेटर लगा लीजिए, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये आपका इसका इसमें एसी वोल्ट मीटर लगेगा, या वीटी में भी लगा सकते हैं या मल्टीमीटर भी लगा सकते हैं, हमारे पास जो तो डिवाइसेस हैं उसमें यहाँ पे हम मल्टीमीटर लगा सकते हैं इस रीजन में आपका। इसमें हम ये तो ये पोटेंशियोमीटर है ये वाला पार्ट, और ये आपका ट्रांसफॉर्मर है, और ये है ये आपका इसका हमारा सिग्नल जनरेटर। तो इसकी मदद से हम क्या करेंगे कि इसको, या हम यहाँ पे इस डिवाइस के बदले हम एसी सिग्नल जनरेटर लगा सकते हैं, जो हमारे डिफरेंट वोल्टेज वोल्टेज पे हम देखेंगे। तो ये आपका जो है इसमें हम क्या करने वाले हैं, वोल्टेज के साथ उसमें जो ये सीआरओ है ना, तो ये सीआरओ में क्या होता है कि यहाँ पे अगर हम ऐसी पॉइंट आएगा, जैसे माना ये सीआरओ यहाँ पे, तो यहाँ पे ये क्या होगा कि हाँ ये वाला इसमें ये, तो यहाँ पे अभी तो हमें लाइन दिख रही है, लेकिन उस केस में हम इसको पॉइंटर भी बना सकते हैं। मतलब आपका जो ये लाइन है, इस लाइन को हम पॉइंटर पॉइंट मान जाएगा ऐसे।
तो वो पॉइंट में आ जाएगा, हम सिग्नल देंगे तो वो क्या करेगा, ऐसे ऐसे करेगा, यूं ऑसिलेट करेगा, ऐसे 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 ऑसिलेट करेगा, मतलब एक फिक्स पॉइंट दो पॉइंट्स के बीच में ऑसिलेट करेगा, ऐसे करेगा, ऐसा ऑसिलेट करेगा पॉइंट, ऐसी पॉइंट आएगा ये हरे कलर का और ये ऐसे ऑसिलेट करेगा। अब तो उसको कहते हैं हम, अब जो इसका जो ऑसिलेशन है, तो ये पॉइंट हम क्या इसको बोलते हैं, पीक टू पीक। जैसे अभी यहां ये ऐसे गया, फिर ये पॉइंट ऐसे नीचे आया, फिर ऐसे जाएगा सीआरओ में, तो हम उसको बोलते हैं पीक टू पीक, पीक टू पीक वोल्टेज। और जो हमारा एक्चुअल में जो वोल्टेज हम जो हमें प्राप्त होता है एसी वोल्टमीटर में, दैट इज वी आर एम रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज, जो इसमें जो हमें प्राप्त, जो हमें जो ये मीजर करता है, दिस एसी वोल्टमीटर मीजर्स द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द एसी सिग्नल। तो अब हमें मिल रहा है यहाँ पे पीक से पीक, तो हम क्या करेंगे, पीक से पीक का मतलब ये हुआ कि जो पीक से पीक को हम टू रूट टू से डिवाइड कर देंगे, क्या कर देंगे, टू रूट मीन स्क्वायर वैल्यू इज इक्वल टू पीक वैल्यू डिवाइड बाई टू रूट टू। और जो इसका जो रूट, इसकी जो सबसे बड़ी विशेषता जो इस एक्सपेरिमेंट जो है, वो ये है कि जो ये जो पीक टू पीक है, ये आपका वी रूट मीन स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, और मेजर वैल्यू ऑफ एसी वोल्टमीटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस लेंथ। और लेंथ हम इसे पता कर सकते हैं, यहां से यहां तक कितनी लेंथ है, ये हम सीआरओ में पता कर सकते हैं, ये हमने देखा है। तो इसकी मदद से जब हम, माना हमने अभी सपोज इनपुट हमने 5 वोल्ट दिया, फिर 5 वोल्ट दिया, तो उस टाइम पे सपोज इसकी लेंथ है ये आई, यहां ये मैंने कैलकुलेट करी है, ये तो ये इतनी आ रही, इसका 10 पे इतना आया, 15 पे इतना आया, जब हम बढ़ा रहे हैं वोल्टेज को इस पे इतना आया, 25 पे इतना आया। अब हम क्या करें, धीरे धीरे इसी इनको घटाएंगे, जब हम वोल्टेज को घटाएंगे तो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ये आ जाएगी, ये वाली। तो ये वैल्यूज हैं, ये वैल्यू इन दोनों का मीन लेंगे, तो मीन लेने के बाद हमें इसका ये वाले मिल गए, ये है इन सीएम, हमको चाहिए मिलीमीटर में, ये हम इसको बाद में, क्योंकि जो अगर हम देखें सीआरओ के अंदर, तो छोटा वाला जो मिलीमीटर और बड़ा वाला सीएम के इक्विवेलेंट होता है, तो ये हमें रिजल्ट मिल गया ये वाला। अब हमने क्या करा कि हमने प्लॉट किया ग्राफ बिटवीन, ये आपका एक्स एक्सिस है, तो ये आपका वी आर एम एस के लिए ये रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज या एसी वोल्टेज जो मेजर वोल्टेज उसके और लेंथ के बीच में हमने ग्राफ खींचा, ये आपका ये वाला है। इसको हमने क्या किया कि रूट इसके में और इसके बीच में जब हमने ग्राफ प्लॉट किया, तो इसे लीनियर एक्चुअली में क्या होता है, मैंने जो ये रिजल्ट्स मैंने ये आपके किए, तो हमने कोई दो पॉइंट्स मिला दिया हमने, तो उसके बाकी तो थोड़ा शिफ्ट हो गए, तो कोई एक्सपेरिमेंटल ऐसा होता है, तो ये जो है ये इसके रिजल्ट्स हमको ये ग्राफ मिल गए। अब हमारा काम है डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी निकालना फॉर एसी, एसी सिग्नल के लिए हमें क्या करना है, डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी निकालनी है सीआरओ की। तो हमारे पास जो ये मेजर्ड वैल्यूज हैं, इन मेजर्ड वैल्यूज में एल इज इन एम, ये जो आपका एल है, एल इज इन मिलीमीटर डिवाइड बाय रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज, तो ये हो गया डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी। तो ये इज इक्वल टू स्लोप लाइन, ये आपका इतना आ गया, ये आपका ये यानी कि आपका ए बी डिवाइड बाय बी सी, ग्राफिकल मेथड है ये वाला एक्सपेरिमेंट का। तो ये आपका आ गया 13 डिवाइड बाय 16 इज इक्वल टू 1.43 मिलीमीटर पर वोल्ट्स। तो ये क्या हुआ कि हमारी इसकी डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी आ गई, हमारी डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी आ गई।
अब हमें अपने सीआरओ की एसी के लिए डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी पता लगी, यानी कि डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी मींस एसी के लिए हमारी वी फाइंड आउट द डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी ऑफ द सीआरओ, ये हमें मिल गया, ये हमारा सीआरओ की डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी की वैल्यू निकल गई। अब हम क्या करने वाले हैं कि आपका जो इट्स अननोन, अब हमने क्या किया, माना सपोज हमें वोल्ट मीटर नहीं पता, ये अभी हम वोल्ट मीटर नहीं लगा रहे, हमने एक सिग्नल दिया, इनकमिंग सिग्नल दिया, हमें इस वोल्ट मीटर को नहीं लगा, हम सीधे उसकी लेंथ को देखेंगे कहां से कहां तक, ये ऐसे जब ये आपका ब्लिंक करेगा ऐसे करके ऑसिलेट करेगा इसके बीच में, तो हम दो पीक टू पीक वैल्यू को लेंगे, उन पीक टू पीक वैल्यू को लेने के बाद उसमें उसका लेंथ पता कर लेंगे, तो और एक ये हमें इसकी सेंसिटिविटी और हमें लेंथ पता लग गई, तो जब हमको ये लेंथ पता है तो हमारे पास डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी हमारे को सीआरओ की पता है, और तो हम इसका क्या निकाल सकते हैं, अननोन वोल्टेज का वोल्टेज निकाल सकते हैं कि उसकी वैल्यू कितनी, तो यानी कि आपका दिस एल इनटू डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें ये रिजल्ट मिल गया, ये मैं, तो यानी कि कोई भी हम क्या करेंगे, जब कभी हम सीआरओ के एक्सपेरिमेंट को करते हैं तो हम उसके कुछ पैरामीटर्स को हमको निकालने होते हैं, तो वन ऑफ द पैरामीटर इज डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी, नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी ऑफ द सीआरओ फॉर एसी सिग्नल, ये हमारा काम होगा, हमको ये पता लग गया इसका, तो हमने क्या किया कि बाहर से एक सिग्नल लिया, सिग्नल को हमने सीधे दो पॉइंट्स के बीच में ऑसिलेट कराया, उसमें पूरा कॉन्फ़िगरेशन होता है, तो वो जो दोनों पॉइंट्स को हमने नापे तो हमें सीधे सीधे एल पता लग गई, और एल को हमने सीधे मल्टीप्लाई कर दिया डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी से, नाउ यू गॉट द रिजल्ट द वैल्यू ऑफ अननोन वोल्टेज, इट्स ए इनडायरेक्ट मेथड, और इसका क्या होगा कि इट्स ए एक्यूरेट एज कंपेयर टू डायरेक्ट मेथड, जैसे मैंने अभी आपको बताया थोड़े बता रहा था मैं कि हमने क्या किया कि इसकी ये वाली वैल्यू ली, जैसे ये वाली यहाँ से यहाँ तक इसकी पीक है, यहाँ से यहाँ तक इसकी पीक है, दोनों को नाप लो, इसे डायरेक्ट वैल्यू, और डायरेक्ट वैल्यू कभी भी क्या होती है, जब हम कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो डायरेक्ट वैल्यू हमें इफेक्टिव नहीं होती है, हमें मतलब डायरेक्ट वैल्यू तो जस्ट मतलब रफ आइडिया, इट्स फॉर ए रफ आइडिया, आप एक रफ आइडिया लगा सकते हैं कि हाँ भाई ठीक है इतना होना चाहिए, ठीक है यहाँ तक ठीक है, लेकिन आप ये कहोगे इस मेथड से आप निकालोगे, ये मतलब आपका थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है एक्सपेरिमेंटली, जो एक्सपेरिमेंट होते हैं उसमें ये थोड़ा मतलब ये ठीक नहीं है मेथड, तो डायरेक्ट मेथड तो हम रफ आइडिया के लिए हम ले सकते हैं, हाँ भाई ये आ रहा हमारा रिजल्ट ठीक है कि नहीं है, तो जो डायरेक्ट मेथड है एसी को अननोन निकालने का वो ये है, तो आपको डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी पता लग गई, आपने डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी को सीधे मल्टीप्लाई किया, जो आपका ब्लिंक की जो ऑसिलेशन के बीच की जो बीच में जो ऑसिलेशन है उसके बीच की लेंथ को ऑसिलेट को आपने ले लिया, उसकी लेंथ ले ली, और जो वो लेंथ है वो उस लेंथ के हिसाब से आपको उसका क्या मिल जाएगा, पीक टू पीक वोल्टेज मिल गया, लेंथ मिल गई, और वो लेंथ को आप सीधे डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी, नाउ यू गॉट द अननोन वोल्टेज, ये हमारा एक पहला एक्सपेरिमेंट है जो कि सिर्फ सीआरओ के लिए, ये सीआरओ का अपना आंतरिक मामला है, बाकी बाहर से जब जैसे हमको सपोज आपका ऑसिलेटर के लिए नापना है या एम्पलीफायर के लिए नापना है तो वो तो बाहर से दे रहे हैं, लेकिन ये इसको नापने का हमारा अपना तरीका। उसके बाद नेक्स्ट है आपका टू मीजर डीसी यूजिंग सीआरओ, मतलब आपका डीसी वोल्टेज को नापना है सीआरओ की मदद से, ये हमारा सेकेंड मेथड है, तो इसमें हम क्या करते हैं कि इसका एपरेटस लगभग यही रहेगा, इसमें अंतर ये होगा कि यहाँ पे जिस सोर्स, ये जो सोर्स है ये सोर्स जो है, ये सोर्स क्या होगा, ये सोर्स डीसी होगा यहाँ पे, और यहाँ पे आपका ट्रांसफार्मर नहीं लगेगा, अभी थोड़ा मैं इसको स्केप कर गया शायद मैं फिगर को, ये पूरा का पूरा सेक्शन चेंज होएगा इसका, ये वाला एक मिनट है, ये वाला जैसे ये वाला है तो ये पूरा का पूरा सेक्शन
चेंज हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा आपका इस तरह से, ये एक मिनट में इसको बना ही देता हूँ, इसी से बना लेता हूँ मैं इसको, इससे। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसमें एक इस तरह से बना देंगे डीसी सोर्स, और इसको यहाँ सीधे कनेक्ट कर लेंगे, इसको इससे कनेक्ट कर लेंगे, और ये पोटेंशियोमीटर, और इसके बदले डीसी हो जाएगा, डीसी के बदले डी सी वोल्टमीटर, तो ये वही रहेगा। अब क्या करेगा कि जैसे ही हम इसको इसकी पोलरिटी को चेंज करेंगे, तो एक पॉइंट यहां पे दिखाएगा ये, पिंकी एक मिनट कुछ, हाँ सर आप मुझे सुन पा रहे हैं क्या? मटपाल सर, तो ये आपका हो गया किसके लिए, ये आपका हो गया डीसी के लिए, तो यहां पे हम डीसी से बना देंगे, और यहां पे ये पॉइंट यहां ऐसे करके आ जाएंगे। इसका जो मेजरमेंट का तरीका है वो ये है, आपका अप्लाइड डीसी वोल्टेज इन वोल्ट्स, डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्टॉक व्हेन अपर वाई प्लेन इज पॉजिटिव एंड अपर वाई प्लेन इज नेगेटिव, मतलब आप हम उसकी जब पोलरिटी चेंज करते रहेंगे करेंगे तो ऐसे करके ऊपर और नीचे आ जाएगा, और इसका जो मेन डिस्प्लेसमेंट ये आपका मेन डिस्प्लेसमेंट, ये आपका इसका मेन डी इज इक्वल टू डी वन प्लस डी टू बाई टू इन सी एम, आपका हमें ये निकल जाएगा ये। अब हम क्या करेंगे, अगेन वी प्लॉट द ग्राफ बिटवीन अगेन वी डी सी, डी सी पे तो डी सी तो उसमें तो कोई इशू आएगा नहीं, उसका आर एम एस का कोई इशू तो आएगा नहीं, तो ये आपका वी डी सी और डी के बीच में हम ग्राफ जब प्लॉट करेंगे तो अगेन वी गेट द लीनियर ग्राफ, और उसमें आपका वोल्टेज पर मिलीमीटर, वोल्टेज पर मीटर फ्रॉम द ग्राफ V इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए बी, बी सी अपॉन ए बी, तो ये वोल्ट पर मिलीमीटर होता है आज निकल जाएगा, और उसके बाद जो ये अननोन वोल्टेज है इसको निकालने के लिए अगेन जो हम बाहर से दे रहे हैं तो ये हो जाएगा बी इंटू डी, ये इतना जाएगा जिसको हम ऐसे निकाल सकते, तो ये मैंने थोड़ा शॉर्ट कर दिया। उसके बाद जो है ये टू डिटरमाइन द वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल सेंसिटिविटी ऑफ सी आर ओ, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट इसका पैरामीटर है, इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि आपका ए सी सोर्स लिया, ये ट्रांसफॉर्मर लिया, आपका ए सी वोल्ट मीटर लिया, और ये आपका आर वन एंड आर टू, ये आर वन एंड आर टू को हमने क्या कर दिया, दो रजिस्टर लिया रजिस्टर, और इसके बीच में ये भी आपका भी आर टू ये पोटेंशियल है, और हमने दे दिया इसको सी आर ओ को, ये सी आर ओ को हमने दे दिया, तो ये आपका वर्टिकल के लिए तो वर्टिकल कंपोनेंट में लगाएंगे, और जब हॉरिजेंटल होगा तो हॉरिजेंटल में आप अप्लाई करेंगे इसको, यानी कि अभी जैसे माना ये वाला वर्टिकल सेंसिटिविटी है, तो एक इनपुट वर्टिकल को दिया और दूसरा इनपुट वर्टिकल को दिया, और इसका जो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो आपका हॉरिजेंटल कंपोनेंट है वो ग्राउंडेड होंगे, वो दोनों के दोनों ग्राउंड आ जाएंगे, तो यानी कि इससे बीम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और जब इसको लेंगे तो इस अभी हम वर्टिकल कंपोनेंट ले रहे हैं और वर्टिकल सेंसिटिविटी, और जब हॉरिजेंटल सेंसिटिविटी के लिए लेंगे तो हॉरिजेंटल प्लेट पे हम ये पोटेंशियल को अप्लाई करेंगे, और इस वाले पे इसको हम क्या कर देंगे, ग्राउंड कर देंगे, तो हम इसको ऐसा समझ सकते हैं कि ये आपका इसको हम यहाँ से समझ सकते हैं, ये वाला, तो ये आपका ट्रिगर इनपुट है और ये इसका ग्राउंड है, तो हम ये तो चैनल के लिए है लेकिन ये ट्रिगर, इसमें हम यहाँ पर ट्रिगर का काम, ट्रिगर इनपुट का काम कर रहे हैं, तो ट्रिगर इनपुट में क्या होता है, जो ये केबल होती है इसकी, इस केबल में एक रेड
वायर होती है और एक आपका ब्लैक वायर होता है। ब्लैक वायर को हम ग्राउंड कर देंगे और रेड वायर को आप जो है इसके साथ, हाँ जो मतलब आपका बाहर से ट्रिगर जो ले रहे हैं तो इसमें उसको कनेक्ट करके एक ग्राउंड कर देंगे और इसको आप ऐसा ले सकते हैं। तो उसके बाद ये वाला पार्ट है, ठीक है, डीसी के लिए भी हो गया। हॉरिजॉन्टल सेंसिटिविटीज में हमने क्या करना है, ओके ठीक है। अब इसका जो फॉर्मूला है वो ये, पीक टू पीक वोल्टेज, पीक टू पीक वोल्टेज इज इक्वल टू 2√2 टाइम्स वी आर टू इज इक्वल टू, ये इसके बराबर इज प्रोपोर्शनल टू एल बी। एल इज ए लेंथ, जैसे हम पहले वाला एक्सपेरिमेंट हमने किया था सेंसिटिविटीज के लिए फॉर डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटीज ले लिया था, तो यहाँ पे ये वर्टिकल कंपोनेंट के लिए एल हम लेंगे, तो ये इसके बराबर के इज ए कॉन्स्टेंट, के इज ए कॉन्स्टेंट एंड के वी इज कॉल्ड ए वर्टिकल सेंसिटिविटी, ये आपका दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बी। एल बी इज ए लेंथ इन वर्टिकल कंपोनेंट, तो जो वो एल है वो आपने पहले जो एक्सपेरिमेंट में एल है वही वाला है जो हमने एसी के लिए लिया था। तो उसके बाद ये इसका 2√2 इंटू वी इनपुट जो हमने दिया आर टू डिवाइड बाई आर वन प्लस आर टू लेकर के, दैट इज इक्वल टू के वी टाइम्स के एल इंटू वी, एल सॉरी एल वी, ये सबस्क्रिप्ट में इसके। तो इसको हम कह रहे हैं इस टाइम पर ये दैट इज द सेंसिटिविटी। और ये 2√2 क्यों लिया, ये आपको पता है कि मैंने कहा कि आपका पीक टू पीक वैल्यू है, माना सपोज यहाँ से यहाँ तक पीक वैल्यू है, तो पीक वैल्यू में जो आपका आउटपुट से जो आएगा वो आएगा आपका पीक टू पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज है ना। और इसमें हम क्या करेंगे कि जो मेजर्ड होगा वो आपका उसका 2√2 टाइम्स होगा, यानी कि 2√2 टाइम्स आरएमएस वैल्यू इज इक्वल टू पीक वैल्यू, हाँ 2√2 टाइम्स वी आरएमएस वैल्यू इज इक्वल टू पीक वोल्टेज, तो पीक टू पीक वोल्टेज होगा वो इतना होगा। और ये इक्वल टू आपका इन टर्म्स ऑफ, अगर हम ये आपका आर वी आर टू है ना, और ये वी है, देखो ये जो वी है ये आपका ये वाला वी है, ये वाला यहाँ पे जो वी है ये वाला, तो ये इतना आ गया आपका। और अब जो है ठीक है, तो यह क्या आपका आ गया के वी इज द वर्टिकल सेंसिटिविटी, ये हो गया के वी इज ए वर्टिकल सेंसिटिविटी और आपका इसकी वैल्यू इतनी आ गई, ठीक। अब सिमिलरली द टोटल लेंथ इन ट्रेस्ड इन द हॉरिजॉन्टल सेंसिटिविटीज, हॉरिजॉन्टल सेंसिटिविटी के लिए जो हमने इसकी एल एच को ट्रेस किया है वो ये वाला, तो ये इन इसकी जो हॉरिजॉन्टल सेंसिटिविटी होगी इन टर्म्स ऑफ एल एच, एल एच हमको पता निकाल सकते हैं, हम ट्रेस के माध्यम से निकाल सकते हैं, तो ये इसकी वैल्यू ये आ गई, ये हमारी हॉरिजॉन्टल सेंसिटिविटी ऑफ सी आर। तो मैं ये दोनों के दोनों बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं, बिना इनके जो है हम सीआरओ की कल्पना भी नहीं कर सकते। तो इसके बाद इसका जो ग्राफ है वो आपका ये टेबल है, टेबल फॉर वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल सेंसिटिविटी के लिए वोल्टमीटर रीडिंग, आपका आर वन की वैल्यू, आर टू की वैल्यू, एल वी कितना आया, के वी निकाला, उसके बाद जो है बिना गेन के, ये तो है उसके लिए, किसके लिए, जब हमारे पास कोई भी नो एम्पलीफायर इनपुट, और जब जब हम आउट इसमें एम्पलीफायर लगाएंगे तो उसके साथ ये दोनों दो दो पैरामीटर्स इसमें हम यूज करते हैं
वो ये है कि आपका नो एम्पलीफायर गेन, अगर हम कहें विद नो एम्पलीफायर गेन, और ये वाला है विद फुल एम्पलीफायर गेन। दैट ये जो एक मिनट में इसको दिखा देता हूँ पेन से। हाँ, तो वन इज नो विद नो गेन, वो विद नो एम्पलीफायर गेन जब होगा तो ये रीडिंग आएंगी, और विद फुल एम्पलीफायर गेन जब होगा तो ये वाली रीडिंग हम निकाल सकते। तो आसान है तरीका पहला वाला, जो मैंने जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है उस तरीके से हमको सबसे पहले डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी उसकी निकालनी होती है। उसकी मदद से जब हमको डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी हमने निकाल दी तो हमारे बहुत सारे पैरामीटर हमारे सीआरओ में सही हो जाएंगे, तो हम इनको निकाल सकते हैं। और ये एक्चुअल में क्या हुआ कि वो जो एक्सपेरिमेंट हम वहाँ पे मैंने भेजा था लैब में, तो उन्हें जो है मुझे यही फोटो भेजी थी, और बाकी मैंने अभी क्या किया कि इसको थोड़ा सा वो रीडिंग जो हम करवाते हैं लैब में, अपने लैब में करवाते हैं, वो ऐसा मिल नहीं पाया। तो अगर माना मैं कॉलेज जाऊंगा कल, तो अगर होगा तो मैं इनको निकाल के भेज सकता हूँ आप लोग, कोई इशू नहीं, ठीक है ना? तो घबराने की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है। तो होगा तो मैं, अगर होगा तो ढंग से उसको खींच के भेज सकता हूँ, मतलब वीडियो बना के या उसके रिजल्ट बना के आपको भेज सकता हूँ मैं, कोई इशू नहीं है अगर आप चाहोगे तो आप। और सिमिलरली इट्स ए फॉर हॉरिजेंटल सेंसिटिविटी, ये आपका इसका हॉरिजेंटल सेंसिटिविटी के लिए हम निकाल सकते हैं। सिमिलरली जब हम इसके इस तरह से लेते हैं, ये वाला मतलब जब ये वाला हम लेंगे तो इसको इसका अगेन विथ फुल गेन विल नो गेन, तो इसकी जो मेन सेंसिटिविटी है वो मेन से बोल्ट पर सीएम है, मैं हम निकाल सकते हैं, और ये फुल गेन के लिए हम निकाल सकते हैं। तो जब मतलब हम क्या करेंगे कि जो सीआरओ के लिए हम इनको निकाल सकते हैं। इसके अलावा कैलिब्रेशन इज ए इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका, कैलिब्रेशन जो है काफी इम्पोर्टेंट पार्ट। तो कैलिब्रेशन के लिए भी हम जो ये वाला एक्सपेरिमेंट है इसी को परफॉर्म करेंगे, और हम उसको कैलिब्रेशन निकाल सकते हैं। कैलिब्रेशन मीन्स हाउ टू फाइंड द रिजल्ट्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट, जो आपका रिजल्ट्स ऑफ द सीआरओ के रिजल्ट्स जो हैं, हम कितना सही कितना एक्यूरेट निकाल सकते हैं, दैट इज द कैलिब्रेशन। तो जब हम कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, जैसे हम कन्वर्जन ऑफ वोल्ट मीटर इंटू एमीटर करते थे, या मतलब आपका, तो हम उनको कैलिब्रेट करते थे, या कोई भी इंस्ट्रूमेंट हम उसको कैलिब्रेट करने की कोशिश करते हैं कि हाउ टू रिफाइन द एक्सपेरिमेंट्स हम लेते हैं। तो ये आपका इतना आ गया। इसके अलावा इसमें बहुत सारे यूजेस हैं, वो है कि आप लिसर्जियस फिगर्स को इसकी मदद से निकाल सकते हो, और आपका लिसर्जियस फिगर्स में फिर आपका फ्रीक्वेंसी आप कंपेयर कर सकते हो दो सिग्नल्स की, सीआरओ की मदद से आप इसको कर सकते हो, आप जो है फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो, ऑडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर की यूजिंग मतलब हम इसके अलावा भी निकाल सकते हैं, तो कैलिब्रेट कर सकते हैं ऑडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर को कैलिब्रेट कर सकते हैं। इसके अलावा हम जो फेजर डायग्राम है, क्या कहते हैं उसका नाम, जो फेज डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर इंडक्टर एंड कैपेसिटर हम ले सकते हैं, तो फेजर डायग्राम मेथड्स हम ले सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे हमारे पास एक्सपेरिमेंट्स हैं, उन एक्सपेरिमेंट्स को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है।